क्या उपदेश था? विदुर जी का प्रश्न था कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सुख की कामना करती है, पर मिलता दुख क्यों है? क्यों हमें दुख मिलता है? तब बताया कि दुख इसलिए मिलता है, अच्छा आप लोग ना संसार में सुख की बड़ी कामनाएं लिए बैठे हैं, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। आपके सुख की इच्छा ही आपका दुख है। अच्छा आपने इतने सुख की इच्छाएं की हैं, उनमें से कुछ सुख मिला कि नहीं आपको? आपने इतनी जिंदगी जी ली, आप बताइए आपको सुख मिला? बताइए किस में सुख मिला आपको? कहां सुख मिला आपको? हर प्राणी सुख की कामना कर रहा है, शादी नहीं हुई तो लग रहा है शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाएगी, शादी हो गई अब पूछो भाई साहब अब सुखी हो? बोले काहे के सुखी, 4 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, ये दुख। पहले इतने दुखी नहीं थे जितने अब हो गए, बच्चा हो गया महाराज जी अब सुखी हो? बोले काहे के सुखी, पढ़ता लिखता कुछ नहीं, उसकी चिंता उसकी टेंशन, पढ़ लिख गया अब सुखी हो? नौकरी नहीं लगी अब दुखी, नौकरी लग गई अब सुखी हो? विवाह नहीं हो रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, शादी हो गई लड़की अच्छी मिल गई अब सुखी हो? काहे की सुखी महाराज, मेरी सुनता नहीं, पत्नी को लेके घूमता रहता, चला गया छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के। पूरी जिंदगी आप सुख की खोज करते हैं, पूरी जिंदगी सुख को तराशते हैं तलाशते हैं, पर सुख मिलता नहीं। लगा कि हमें 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा कि 10,00,000 मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा 50,00,000 मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा 1 करोड़ मिल जाएगा तब सुखी होंगे। एक आदमी अमेरिका में मरा, उसके पास 400 अरब की संपत्ति थी। कितनी संपत्ति थी? 400 अरब रुपए थे उसके पास। जब मरा तो लोगों ने पूछा क्यों साहब आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, अब सुखी हैं आप? उसने कहा मैं सुखी नहीं। क्यों? बोले मेरा लक्ष्य था 10,000 अरब संपत्ति बनाने का, 400 अरब बनी, 1,000 अरब संपत्ति बनाने का उद्देश्य था, लक्ष्य था, अभी 600 अरब कम है। कितने कम है उसके पास? थे कितने? 400 अरब रुपए थे, और कम कितने थे? 600 अरब। इच्छाएं यदि आप पूरी करने निकले हैं तो याद रखना आप 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो 1.5 करोड़ की कामना तुरंत हो जाएगी। आपको 2 करोड़ मिल जाए तो आपको 2.5 करोड़ की इच्छा तुरंत हो जाएगी कि ये मिल जाता तो ये और ले लेता, ये प्लॉट पड़ा है ये और मिल जाता, ये मिल गया तो ये और मिल जाता, वो मिल गया। आपको जितना मिलता जाता है आपकी इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है। अच्छा शुक तवा में कोई एक आदमी ऐसा है जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो? बच्चों से लेके बुढ़ों से पूछो आप, एक की इच्छा पूरी हुई तो बताओ, और शुक तवा में छोड़ दो, पूरे होशंगाबाद शहर में बताओ, पूरे मध्य प्रदेश में बताओ, पूरे भारत में बताओ, पूरी दुनिया में बताओ, एक आदमी जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो, जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो विवेकानंद बन गए, बुद्ध बन गए, महावीर बन गए, रामकृष्ण परमहंस बन गए, तुलसीदास बन गए, मीराबाई बन गए, जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो कबीरदास बन गए, जिनकी इच्छाएं अधूरी हैं वो अभी तक इच्छाओं को पूरी करने में लगे हैं। बाप दादे भी लगे थे आपकी पूरी करने में, उनकी भी नहीं भाई आपकी भी नहीं होंगी।